Today we shall discuss about question tag. Add question tag ऐसा question आता है examination में. Title सुन के ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम तो आसानी से कर लेते हैं question tag. पर ये video जब तक आप देखेंगे end तक आपको पता चल जाएगा कि ये बाएं हाथ का काम है या दाहिने हाथ का काम है. क्योंकि जो एक्सरसाइजेस दिखने में बहुत आसान होती है, इतनी सिंपल होती है, वो कभी कभी कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हमारे समझ के परे होते हैं या हमें पता नहीं होता. और क्वेश्चन टैग आपको सिलेबस में है या नहीं है इसलिए नहीं सीखना है. क्वेश्चन टैग आपके हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक के हर पन्ने पर, हर किताब में, हर नॉवेल्स में, जिंदगी के हर जर्रे जर्रे में ये क्वेश्चन टैग भरा हुआ है. आप डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस बोलते हैं वहां हजारों क्वेश्चन टैग होते हैं. आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एमपीएससी में, यूपीएससी में, स्टाफ सिलेक्शन में, जिस किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, ट्राई करेंगे, आपको क्वेश्चन टैग दिखेगा ही. तो क्वेश्चन टैग सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं है, हम जिंदगी के लिए ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहे हैं. और इंग्लिश की बहुत सारी चीजें सीखने से या ग्रामर हमारा बेहतर करने से अगर जिंदगी बेहतर होती है तो हमें बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए. तो आज हम क्वेश्चन टैग के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे रूल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. देखते हैं कितनी आसानी से हम एड क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को मास्टर कर सकते हैं. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन टैग नाउ. टुडे वी शैल टॉक अबाउट एडिंग क्वेश्चन टैग. हाउ इट इज इजी, how far it is a difficult task to attempt this exercise in the examination will be a question before us. आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन टैग देना या क्वेश्चन टैग ऐड करना किसी सेंटेंस में कितना आसान काम है और कितना डिफिकल्ट है. क्वेश्चन टैग हमें अभी तक ये लग रहा था कि इससे आसान कोई एक्सरसाइज ग्रामर की हो ही नहीं सकती, पर आज हम आपको जो पता है वो पढ़ने वाले हैं और आपको जो बिल्कुल नहीं पता वो पढ़ने वाले हैं. इसलिए क्वेश्चन टैग को समझना उतना ही जरूरी है. सिलेबस में है कि नहीं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन टैग एमपीएससी, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, बहुत सारे एग्जामिनेशन में जहां तहां ये एक्सरसाइज पूछी जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह पर क्वेश्चन टैग आपको यूज करने हैं. ऐसे लिखते समय, नॉवेल लिखते समय, किसी प्रकार का ड्रामा लिखते समय, ऐसे बहुत सारी जगह पर आपको ये क्वेश्चन टैग पता होना उतना ही जरूरी है. डे टू डे लैंग्वेज में भी क्वेश्चन टैग उतना ही इंपॉर्टेंट है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज क्वेश्चन टैग मीन. क्वेश्चन टैग इज अ फ्रेज क्वेश्चन इन फॉर्म. क्वेश्चन टैग एक प्रकार का छोटा सा फ्रेज है जो क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन के जो बहुत छोटे फॉर्म इंग्लिश में दिखाई देते हैं उसमें क्वेश्चन टैग ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है. तीसरा है, इट इज एडेड टू अ स्टेटमेंट टू सीक अ एग्रीमेंट. बोलने वाले का कहना सुनने वाले को बराबर समझ में आया कि नहीं, ये जानने के लिए जो छोटा सा सवाल सेंटेंस के अंत में पूछा जाता है उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. इट सीक्स सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द लिसनर, देयरफॉर क्वेश्चन टैग हैज अ इंपॉर्टेंट रोल. एंड इट इज यूज्ड जस्ट टू कंफर्म वेदर द लिसनर अंडरस्टूड और नॉट. नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द स्टेटमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट. एक बात हमेशा ध्यान में रखिए क्वेश्चन टैग देते समय, क्वेश्चन टैग ये किसी भी स्टेटमेंट का हिस्सा है, अलग उसकी आइडेंटिटी नहीं है. क्वेश्चन टैग सेपरेट लिखे नहीं जा सकते, दिए नहीं जा सकते. दिया गया पूरा सेंटेंस लिखकर कॉमा देने के बाद उसी में आपको क्वेश्चन टैग देना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है. एग्जामिनेशन में अगर आप सिर्फ डोंट यू aren't he, aren't you
इजंट ही, ऐसा सिर्फ क्वेश्चन टैग देकर आएंगे तो आंसर्स परफेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होता है। इसलिए ये पांचवा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन टैग अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, वो किसी एक स्टेटमेंट का ही हिस्सा होते हैं। अब क्वेश्चन टैग दिखते कैसे हैं वो भी समझ लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस, यू आर अ वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर। अब ऐड क्वेश्चन टैग बोला है, ऐड क्वेश्चन टैग देते समय आंसर लिखना है आपको, यू आर वेरी क्लेवर, कॉमा देना है यहाँ पर, उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट टैग है वो देना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सेंटेंस लिखना जितना जरूरी है उतना ही यहाँ पर कॉमा देना, एंड में क्वेश्चन मार्क देना उतना ही इंपॉर्टेंट है, तब कहीं जाके आपका क्वेश्चन टैग पूरा बनता है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर सेंटेंस, यू लुक वेरी कूल। इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसे होगा? यू लुक वेरी कूल डोंट यू क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये क्वेश्चन टैग बनते हैं, इस प्रकार से दिखते हैं। अब बनते कैसे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं, हमने पहले ही कहा था ये दिखने में एक्सरसाइज बहुत छोटी है, पर इस छोटी सी बात को समझने के लिए हमें कितना लंबा चक्र डिस्कशन करना पड़ता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करते हैं। देयर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स कन्वेंशंस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज रूल्स कैन हेल्प अस इन सॉल्विंग द एग्जाम्स। रूल नंबर वन, पहला रूल क्या कहता है? सिंपल सा रूल है, वाइस वर्सा है। इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग विल बी निगेटिव। सबसे आसान और पहला मूल जो मंत्र है इसका, अगर कोई वाक्य स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बिजी, सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब इसमें नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नेवर जैसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव होना चाहिए, पर क्वेश्चन टैग देते समय यू आर बिजी ये सेंटेंस एज इट इज आपको लिखना है। फुल स्टॉप का रूपांतर कॉमा में करना है, जो भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग है वो देना है और क्वेश्चन के बाद में प्रोनाउन लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव था, आर हमने आरंट, ये निगेटिव हमने क्वेश्चन टैग दिया है। तो स्टेटमेंट पहला रूल क्लियर है, सिंपल्स, अगर सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। इसी रूल को हम वाइस वर्सा भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट सिंसियर। अब यह सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव देखते बराबर आप समझ जाना कि उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या अफर्मेटिव देना है। ही इज नॉट सिंसियर कॉमा इज ही क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग देते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट नियम, इंपॉर्टेंट रूल, इफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स एम इज आर वॉज वेयर शैल विल और हेल्पिंग वर्ब्स लाइक कैन कुड शुड वुड मे माइट मस्ट नीड रेयर ऑट टू एटसेट्रा। इफ दीज टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आर अवेलेबल इन द सेंटेंसेस, रूल क्या कहता है? यूज देम फॉर एडिंग क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस में एम इज आर वॉज वेयर शैल विल अवेलेबल है, कैन कुड शुड वुड नॉट टू डेयर नीड वगैरह अवेलेबल है तो इन्हीं की मदद से आपको क्वेश्चन टैग देना है। नियम एकदम साफ सुथरा है, दिए गए किसी भी सेंटेंस में अगर एम इज आर अवेलेबल है तो उसी की मदद से आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी हैंडसम कॉमा इजंट ही, हमने यहाँ के इज का यूज ही किया है क्वेश्चन टैग देते समय। दूसरा एक एग्जाम्पल, यू कैन पास द एग्जाम कांट यू, यहाँ पर कैन ऑलरेडी है, हेल्पिंग वर्ब हो या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो अगर वो सेंटेंस में है तो आपको उसी का यूज क्वेश्चन टैग देते समय करना है। कैन यहाँ पर था, उसी की मदद से हमने कांट यू क्वेश्चन टैग बनाया है। तीसरा एक सेंटेंस है, दे आर काइंड पीपल आरंट दे, यहाँ पर हमने आर की मदद से ही क्वेश्चन टैग दिया है। वन मोर सेंटेंस वी विल डिस्कस, इट मे रेन टुडे मेंट इट, मे यहाँ पर है उसी को हमने एंटी लगाकर नॉट लगाकर
वहां पर हमने क्वेश्चन टैग दिया है, इसका मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में एमिजार वॉज वेयर शल विल कैन कुड अगर अवेलेबल है तो उन्हीं के मदद से आपको क्वेश्चन टैग देना है। पर आपके मन में और एक सवाल आया होगा कि अगर सेंटेंस में ये नहीं अवेलेबल तो क्या करना है। रूल नंबर 4, इफ नॉट टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज अवेलेबल देन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब को यस यस आई एस नहीं लगा है तो डू आपको लेना है क्वेश्चन टैग देते समय। वर्ब को अगर यस यस आई एस लगा है तो आपको डज लेना है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस है तो आपको डीड लेना है। अगर दिए गए सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है तो हम टेंस के अनुसार डू डज या डीड में से उचित हेल्पिंग वर्ब लेकर हम क्वेश्चन टैग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आई लाइक मैंगोस, इस सेंटेंस में एमिजार वॉज वेयर नहीं है, डू डज डीड कैन कुड बिल्कुल नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमें डू लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, आई लाइक मैंगोस, कॉमा दिया हमने और डू के साथ नॉट लगाकर डोंट ये शॉर्ट फॉर्म बनाया। सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सब्जेक्ट आई है तो आई लिखा, डोंट आई क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन टैग देना है। दूसरा एक सेंटेंस देखिए, शी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है पर लगा कुछ नहीं है एस आई एस। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब में एस लगा है, वर्ब को जब भी एस एस आई एस लगा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि आपको क्वेश्चन टैग देते समय डज लेना है। सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग हमने निगेटिव कर दिया, डजेंट शी सब्जेक्ट शी है इसलिए प्रोनाउन शी लिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया। इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्वेश्चन टैग देते हैं। तीसरा एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस, They worked hard. यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, हम आसानी से समझ लेते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। बहुत जगह पर आपको सेकेंड फॉर्म में ईडी नहीं दिखता, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एट है, रैंग है, सैंग है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या नहीं है। अगर आप वर्ब के फॉर्म को नहीं पहचान पाएंगे तो आपका क्वेश्चन टैग गलत हो सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन टैग के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ ईडी लगा है इसलिए हम आसानी से क्वेश्चन टैग डिडंट दे कर पाए। इस प्रकार से आपको अगर सेंटेंस में किसी प्रकार का टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज या डीड की मदद से आपको क्वेश्चन टैग देने हैं। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और रूल्स की बात करते हैं। नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, यूज प्रोनाउन इफ नाउन और नाउन्स आर और इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। नियम साफ सुथरा है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का नाम अगर आता है तो क्वेश्चन टैग देते समय वो नाम नहीं लिख सकते, उसकी जगह पर हमें एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रमेश इज अ टॉल बॉय, यहाँ पर सब्जेक्ट है रमेश, हमने क्वेश्चन टैग क्या किया, रमेश इज अ टॉल बॉय कॉमा इजंट, रमेश नहीं लिखा हमने, इजंट ही लिखा है। एग्जामिनेशन में आपको इजंट रमेश नहीं लिखना है, रमेश के लिए प्रोनाउन ही होता है, क्वेश्चन टैग देते समय प्रोनाउन ही लेना है आपको, इसलिए इजंट ही इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनता है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर सेंटेंस, रीटा इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, रीटा इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, इस सेंटेंस में हमने क्वेश्चन टैग क्या किया, रीटा इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल इजंट शी। यहाँ पर रीटा ये नाउन है, गर्ल का नाम है, हमने रीटा ना लिखते हुए वहां पर प्रोनाउन लिया है। नियम सिंपल है, आपको नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहां पर आपको प्रोनाउन लेना है, नाउन नहीं लिखना है क्वेश्चन टैग देते समय। वन मोर इम्पोर्टेंट रूल वी डिस्कस, क्वेश्चन टैग इज गिवन इन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नेगेशन, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, कभी भी क्वेश्चन टैग शॉर्ट फॉर्म में ही आपको देना है। जैसे अलग अलग शब्द है जिनके शॉर्ट फॉर्म अलग अलग तरीके से बनते हैं, एम नॉट है तो उसका क्वेश्चन टैग आरंट देना है आपको, एमंट नहीं होता, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, वाज नॉट का वाजंट और वेयर नॉट का वेरंट,
Do not ka don't, does not becomes doesn't, did not becomes didn't. Have not becomes haven't, has not become hasn't, had not become hasn't, hadn't. Cannot becomes can't, could not becomes couldn't, and may not becomes mayn't. कुछ शब्द आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे. Should not become shouldn't, and would not becomes wouldn't, and ought not become oughtn't, need not become needn't, dare not become daren't. ये बाकी सब तो आपने देखे हैं, अलग अलग जगह पर पढ़े हैं, पर ought not, need not और dare not ये मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत कम बार आपने सॉल्व किए एग्जामिनेशन में, इसलिए इनको भी ध्यान में रखना. क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही देना है, नियम है, रूल है. फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 7 को भी देख लेते हैं. क्वेश्चन टैग देते समय कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो भी समझ लीजिए. क्वेश्चन टैग देते समय राइट कंप्लीट सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया है उसको कंप्लीट पूरा लिख लेना. नंबर 2 रिमूव फुल स्टॉप, सेंटेंस के एंड में जो फुल स्टॉप आता है उसको हटा देना. आगे क्या करना है, पुट अ कॉमा, फुल स्टॉप को हटाकर उसके स्थान पर आपको कॉमा देना है. और अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग देना है, प्रोसेस खत्म नहीं हुई. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क देना है, तब कहीं जाके आपके क्वेश्चन टैग देने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल निशा सोल्ड ऑल मैंगोज. अब क्वेश्चन टैग कैसे होगा, हम सेंटेंस को पूरा लिखेंगे मैंगोज तक. निशा सोल्ड ऑल मैंगोज, कॉमा दिया हमने फुल स्टॉप को हटाकर. फिर सिंपल पास्ट टेंस है सोल्ड, तो हमने डिडंट किया. डिडंट इसलिए किया क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट है निशा, निशा के स्थान पर प्रोनाउन ही लिखना है, तो शी हमने प्रोनाउन लिया, क्वेश्चन मार्क लगाया. इतना सेंटेंस आप कंप्लीट लिखेंगे तब कहीं जाके आपके क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 8 इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जहां आपको एग्जामिनर बार बार कंफ्यूज कर सकते हैं वो एरिया ये वाला है. ऐसे सवाल जानबूझकर स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं ताकि वो गलतियां करें, और आप लोग जानबूझकर अलर्ट रहिए ताकि आप ऐसी गलतियां ना करें. नियम क्या कहता है, विल यू या वॉन्ट यू, दीज आर यूज एज अ क्वेश्चन टैग इन इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंसेस जब भी आएंगे आंखें बंद करके आपको क्वेश्चन टैग विल यू या वॉन्ट यू देना है. इम्परेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, जो कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कॉल द पुलिस. कॉल द पुलिस ये सेंटेंस आपको जैसे कि वैसे लिखना है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखना है, विल यू इतना लिख देना और क्वेश्चन मार्क लगा देना. दूसरा एक एग्जाम्पल देते, डोंट लुक एट मी, इसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा. डोंट लुक एट मी, हमने क्वेश्चन टैग दिया विल यू क्वेश्चन मार्क. इम्परेटिव सेंटेंसेस कॉल द पुलिस ऐसा भी हो सकता है, डोंट कॉल द पुलिस नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है, प्लीज कॉल द पुलिस रिक्वेस्ट वाला ऐसा भी हो सकता है. तो अलग अलग प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंसेस आते हैं, पर एक सवाल आपके मन में आना चाहिए. हमने एक नियम बताया था कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होना चाहिए. पर इम्परेटिव सेंटेंसेस में विल यू भी चलेगा, वॉन्ट यू भी चलेगा, इस प्रकार से नियम बताए जाते हैं. यहां विल यू और वॉन्ट यू दोनों का स्टेटस, दोनों का स्टैंडर्ड, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है, इसलिए विल यू दिए या वॉन्ट यू दिए तो भी चलेगा. पर एक बात यहां पर ध्यान में रखिए, डोंट लुक एट मी विल यू यहां पर देने के बाद में नियम क्या कहता है, इफ देयर इज अर्जेंसी इन द इम्परेटिव सेंटेंसेस. किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में अर्जेंसी वाली बात अगर आती है तो क्वेश्चन टैग इज अफर्मेटिव इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इट विल बी नेगेटिव इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल रिमेम्बर टू क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करना भूलना नहीं. बात ये अर्जेंसी वाली है, उसी तरीके से बताई गई है, सेंटेंस अफर्मेटिव है इम्परेटिव का, हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव किया, हमने रूल को फॉलो किया. बाकी जनरल सिचुएशन में ये रूल लागू नहीं होता, पर बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन. अगर ऐसे वार्निंग बोले या इमीडिएट इस प्रकार के अर्जेंसी वाले सेंटेंसेस है
आपको इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और वो नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। इस प्रकार से आपको विल यू और वोंट यू की चॉइस को ध्यान में रखना पड़ता है। इन एन एवरेज ये रूल्स बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ही आपको ध्यान में रखना है। स्कूल के कॉलेजेस के एग्जाम्पल में आपने दोनों जगह पर विल यू लिखा तो भी आंसर सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? शैल बी विल बी द क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंसेस ऑफ लेट। अगर लेट का कोई भी सेंटेंस दिखाई दे तो उसमें क्वेश्चन टैग शैल बी कर देना। यही हमें स्कूलों में कॉलेजेस में बताया जाता है, पर ये बात आपको पता है। जो नहीं पता है हम वो बताने वाले हैं। लेट अस एंजॉय द पार्टी, सेंटेंस दिखा लेट का, हमने बिल्कुल इमीडिएटली कॉमा लगा दिया, क्वेश्चन टैग शैल बी कर दिया, बिल्कुल सही है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर होगा वो समझ लीजिए। प्रॉब्लम आगे एक सेंटेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेट के सेंटेंस में और किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है? इफ सेंटेंस बिगिंस विद आई एम, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई भी वाक्य आई एम ऐसे शुरू होता है तो उसका क्वेश्चन टैग आरंट आई ऐसा ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग, क्वेश्चन टैग क्या होगा? आई एम वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग कॉमा आरंट आई, आई एम ऐसा दिखाई देगा तो भी आपको क्वेश्चन टैग आरंट आई देना है, एमेंट आई नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, उनको लगता है कि आपको आंसर आ नहीं सकता इसलिए वो जानबूझकर पूछते हैं। आप इस प्रकार के आंसर्स को बिल्कुल रट लेना, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना, इस प्रकार का एग्जाम्पल आएगा ये एग्जामिनेशन में। इफ सेंटेंस इज इट बिगिंस एज आई एम नॉट, अगर सेंटेंस आई एम नॉट ऐसा शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग विल बी एम आई। आई एम अगर ऐसा है तो आरंट है, और आई एम नॉट अगर ऐसा सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग एम आई होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फूल लाइक ए डोंकी, क्वेश्चन टैग क्या होगा? आई एम नॉट फूल लाइक ए डोंकी कॉमा एम आई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन टैग देना है। आगे और एक रूल इंपॉर्टेंट है, ओनली नॉमिनेटिव केसेस आर यूज्ड व्हाइल एडिंग क्वेश्चन टैग। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी आप क्वेश्चन टैग देंगे तो आप जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं वो आई वी यू ही शी इट दे ऐसे नॉमिनेटिव केस में ही रहेंगे। उधर क्वेश्चन टैग देते समय ऑब्जेक्टिव केस या पॉसेसिव केस नहीं आते। इस प्रकार से आपको ये रूल ध्यान में रखना है। अब जो चीजें आपको पता है वो तो हमने बता दी, अब जो चीजें आपको बिल्कुल पता नहीं है या कम पता है उसके बारे हम यहां से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। रूल क्या कहता है? अगर सेंटेंसेस में नीदर नो नेवर नन नोबडी नो वन नथिंग फ्यू लिटिल हार्डली स्कैर्सली रेयरली ऐसे शब्द अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो उन्हें निगेटिव समझना है और क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव देना है। अब फ्यू सेंटेंस फ्यू शब्द लिटिल हार्डली ऐसे शब्द आप सेंटेंसेस में देखेंगे तो उन्हें अफर्मेटिव समझेंगे, पर ऐसा नहीं समझना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, रूल नंबर 11 जो हमने अभी सुना, अब उसके आधार पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। वी हैव नो फ्रेंड्स, सेंटेंस में नो आया है नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, हैव वी ऐसा किया। दूसरा सेंटेंस, दे हैव नथिंग टू लूज हैव दे, नथिंग शब्द आया, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव कर दिया। तीसरा सेंटेंस है, आई नो लिटिल अबाउट यू, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई नो लिटिल अबाउट यू, यहां तक तो पूरा का पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव दिखाई देता है तो क्वेश्चन टैग तो निगेटिव होना चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां लिटिल शब्द आया है। नियम आप ध्यान में कहीं लिखकर रख देना, अगर सेंटेंसेस में लिटिल फ्यू रेयरली स्कार्सली ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उन्हें भी आपको नेगेटिव सेंस वाले ही सेंटेंसेस समझना है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव देना है। आई नो लिटिल अबाउट यू कॉमा डू आई ऐसा क्वेश्चन टैग देंगे तो ही आपका आंसर सही होगा। फोर्थ एक सेंटेंस और इंपॉर्टेंट है, इट इज रेयरली फाउंड। अभी आप समझ गए कि रेयरली शब्द आया है, सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। इट इज रेयरली फाउंड कॉमा इट इज या इज इट, इसको इज इट आपको करना है। यहां पर क्वेश्चन टैग क्या होगा? इट इज रेयरली फाउंड कॉमा इज इट। इस प्रकार से
आपको क्वेश्चन टैग देने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 12, इफ सेंटेंसेस बिगिंस, सेंटेंस बिगिन विद लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम और लेट प्लस कोई भी नाउन, क्वेश्चन टैग विल बी विल यू। ये इम्पोर्टेंट रूल है, आपको लिखकर ही रखना है। हमने इसके पहले क्या कहा था, लेट का कोई भी सेंटेंस दिखाई दे क्वेश्चन टैग शैल वी लगा देना, पर वो नियम हर जगह लागू नहीं होगा, ये नियम समझ लो। सेंटेंस के बाद में अगर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम वगैरह जैसे सेंटेंसेस आते हैं तो क्वेश्चन टैग शैल वी नहीं होगा, आपको विल यू देना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डू दिस वर्क, लेट के बाद में अस नहीं आया, लेट के बाद में मी आया है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन टैग देते समय थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। क्या होगा सेंटेंस, लेट मी डू दिस वर्क कॉमा विल यू, इस प्रकार से क्वेश्चन टैग होगा। दूसरा एक सेंटेंस, और इस प्रकार के एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल आएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। लेट देम डू व्हाट दे वांट, क्वेश्चन टैग होगा विल यू। आपने लेट का सेंटेंस समझकर आपने शैल वी अगर लिख दिया तो सेंटेंस गलत होगा, सिर्फ लेट अस ऐसे कंस्ट्रक्शन में ही शैल वी होगा, इन इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं होगा। एक और एक इम्पॉर्टेंट रूल है, लेट सीमा डांस, लेट के बाद में सीमा ये शब्द आया है, लेट के बाद में किसी भी व्यक्ति का वस्तु का नाम भी अगर आता है तो आपको क्वेश्चन टैग विल यू ऐसा ही देना है, उसका प्रोनाउन शी वगैरह नहीं लेना है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 13, इफ देयर इज यूज्ड टू, क्वेश्चन टैग विल बी यूज्ड इन और डिडंट, किसी भी सेंटेंस में यूज्ड टू। हमने इसके पहले मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज्ड टू की बात की थी। हैबिटुअल एक्शंस के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं हम पास्ट एक्शंस के लिए, पर ये मॉडल ऑक्सिलरी है और वो जब सेंटेंस में आता है तो आपको उसको मॉडल ऑक्सिलरी है कि नहीं ये समझना होता है और उसी के आधार पर क्वेश्चन टैग आपको देना है। ही यूज्ड टू वर्क फास्ट कॉमा यूज्ड ही, इस प्रकार से क्वेश्चन टैग होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं तो परेशानी खड़ी करते हैं आपके लिए, इसलिए आपको ऐसे सिचुएशंस के लिए भी इन नियम को ध्यान में रखना होगा। डेयर और नीड का भी मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पर सेंटेंसेस में यूज होता है। सेंटेंसेस में वो इस प्रकार से आएंगे, ही डेयर नॉट कम हियर कॉमा डेयर ही। जब भी डेयर, नीड वगैरह जैसे शब्द मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको ही, शी, इट वगैरह के सामने यस, यस, आई, यस भी नहीं लगते, इसलिए वो मॉडल ऑक्सिलरी है कि मेन वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होती है। वन मोर एग्जाम्पल, शी नीड नॉट स्पीक लाउड, हमने क्वेश्चन टैग किया नीड शी, ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रोल नंबर 15, She needs money. अब हमने क्या कहा था इसके पहले वाले स्लाइड में, नीड दिखे, डेयर दिखे तो उसी की मदद से क्वेश्चन टैग दे देना, पर वहां पर वो मॉडल ऑक्सिलरीज थे, यहां पर ये नीड शब्द मेन वर्ब है और यहां पर मेन वर्ब होने के कारण नीड यहां पर क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, शी नीड्स मनी कॉमा डजंट शी ऐसा देने पड़ेगा। तो नीड कहां पर मेन वर्ब है और कहां पर हेल्पिंग वर्ब है ये आपको समझना पड़ता है। नीड, डेयर जैसे शब्दों के बाद में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में अगर दूसरा कोई मेन वर्ब आता है तो ही आप समझना कि वो हेल्पिंग वर्ब है। यहां नीड के बाद में कुछ नहीं है तो नीड खुद ही मेन वर्ब हो गया, तो इसको आपको मेन वर्ब समझकर क्वेश्चन टैग देना है। डजंट शी ऐसा क्वेश्चन टैग होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट सेंटेंस, आई डोंट डेयर टू चैलेंज हिम, यहाँ डोंट हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में ये मेन वर्ब आया है, तो डेयर की मदद से आप क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते, आपको ये डू डज डीड को ध्यान में लेना पड़ता है। आई डोंट डेयर टू चैलेंज हिम कॉमा डू आई, इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनता है क्योंकि डेयर यहाँ पर मेन वर्ब था। रूल नंबर 16, वो भी एक इम्पोर्टेंट रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में this, that, these, those, here, there, one ऐसे अगर शब्द सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो क्वेश्चन टैग देते समय प्रोनाउन के जगह पर इन्हीं शब्दों को लेना पड़ता है। If these words, demonstrative pronouns are used as subject in the sentence while giving a question tag, you have to use these demonstrative pronouns as it is.
इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन जब भी लेने की बारी आएगी तो इन्हीं को आपको लेना है, दूसरा शब्द नहीं लेना है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज लॉट ऑफ नॉइज, इज देयर, इज देयर को हमने वहीं पर यूज किया, दूसरा प्रोनाउन नहीं आएगा. वन कैन नॉट डू दिस सम, कैन वन, ये वन शब्द भी आपको कंफ्यूज करेगा बार बार. वन शब्द अगर आता है तो आपको कैन वन ऐसा क्वेश्चन टैग देना पड़ेगा. ये कुछ अटपटे से लगने वाले क्वेश्चन टैग होते हैं जो फ्रिक्वेंटली बताए नहीं जाते, क्लास में डिस्कस नहीं होते, पर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार के नियम भी ध्यान में रहने चाहिए. पर दूसरा एक नियम क्या कहता है वो भी समझ लीजिए, दैट दिस दोज हियर आर यूज्ड विथ नाउन्स. अगर ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स किसी नाउन के साथ आते हैं तो क्वेश्चन टैग देते समय हमें इनके साथ जो नाउन यूज होते हैं उन नाउन का ही विचार करना पड़ता है क्वेश्चन टैग देते समय. यहां देखो, दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्स मी, दिस के साथ मैन शब्द आया है, तो यहां पर दिस के साथ नाउन आने के कारण हम दिस को उधर क्वेश्चन टैग देते समय ध्यान में नहीं रखेंगे, हमें मैन को ध्यान में रखना पड़ेगा. इसलिए डजंट ही इस प्रकार से क्वेश्चन टैग होगा, डजंट दिस यहां पर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दिस के बाद नाउन आया है. दूसरा एक शब्द है वन गर्ल केम टू मीट मी, यहां पर वन शब्द तो आया है, इसके पहले वाले डिस्कशन में हमने कहा था कि वन दिखाई दे तो क्वेश्चन टैग में ही वन आना चाहिए, पर यहां वन शब्द के साथ में गर्ल ये नाउन आया है, इसलिए क्वेश्चन टैग देते समय वन के बारे में नहीं सोचना है, गर्ल का विचार करके आपको डिडंट शी, पास्ट टेंस था इसलिए डिडंट कर दिया शी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन टैग देना है. नेक्स्ट रूल और इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही कहा था कि बहुत सारे रूल आपने सुने थे वो हमने सुना दिए, जो नहीं सुने थे हम वो बता रहे हैं. रूल क्या कहता है, अगर नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, नो बडी, एनी बडी, ऐसे शब्द अगर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो आपको क्वेश्चन टैग देते समय दे ऐसा प्रोनाउन इनके लिए लेना पड़ता है, ही या शी जैसे प्रोनाउन नहीं ले सकते. इंपॉर्टेंट रूल है. फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, समवन स्टोल गोल्ड नेकलेस कॉमा डिडंट. समवन शब्द देखने के बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके जगह प्रोनाउन कौन सा लेना है. नियम हमने बता दिया, समवन वगैरह जैसा शब्द आया तो प्रोनाउन आपको दे ही लेना है, तो डिडंट दे इस प्रकार से ये क्वेश्चन टैग होगा. नोबडी हैज सीन गॉड, यहां पर नोबडी शब्द है, कॉमा हैव दे, देखो हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और आप हैज को लेकर उधर क्वेश्चन टैग बनाने के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउन हमें नोबडी आने के कारण दे लेना है, तो हैज दे नहीं लिख सकते, इसलिए वहां पर हमें हैव दे लिखना पड़ेगा. ये एक स्लाइड भी आपको ध्यान में रखने के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है. कुछ और एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट अगर एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग जैसे शब्द आते हैं तो यहां पर आपको क्वेश्चन टैग देते समय दे प्रोनाउन यूज नहीं करना है, वहां पर आपको इट इस प्रोनाउन का यूज करना है. ये शब्द ध्यान में रखना, अगर ये शब्द दिखाई दे तो प्रोनाउन आपको दे नहीं लेना है, इट लेना है. फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग लुक्स प्लीजेंट कॉमा डजंट इट, यहां पर दे नहीं होगा, शब्द आया है एवरीथिंग. नथिंग इज योर्स, सेंटेंस नेगेटिव है, हमने इज ले लिया और प्रोनाउन इट लिया, इज इट, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन टैग देना है. एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग यहां पर शब्द आया, रूल के अनुसार हमने कांट इट, इट प्रोनाउन दिया और कैन का यूज करके हमने वहां पर क्वेश्चन टैग दिया है. इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हमें ध्यान में रखने होते हैं. और एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, नन ऑफ अस, नन ऑफ यू, नन ऑफ देम, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू या सम ऑफ देम, इस प्रकार से अगर सब्जेक्ट आते हैं तो क्वेश्चन टैग देते समय जो भी आपको नाउन प्रोनाउन लेना है, ये अस, देन, यू वगैरह जो प्रोनाउन आते हैं उन्हीं के आधार पर उनके प्रथमा नॉमिनेटिव केस यू, वी, दे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल,
सम ऑफ अस कैन पे टैक्सेस, यहां सम ऑफ के बाद में अस आया है, तो इसी अस के आधार पर हमने क्वेश्चन टैग कैन वी ऐसा दे दिया। अस यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, हमने वी को नॉमिनेटिव केस बनाया, प्रथमा बनाया, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन टैग देने हैं। नन ऑफ देम, नन ऑफ के बाद देम शब्द आया, तो यही शब्द हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन टैग देने के लिए। नन ऑफ देम हैव सीन गोस्ट कॉमा, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हैव दे, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन टैग किया। अब ये कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए, हमने जितने भी रूल्स डिस्कस किए हैं, अब आपको जो एक्सरसाइज बहुत आसान लग रही थी कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है इसकी तरफ, ऐसा लग रहा था, अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आप मार्क्स गवा नहीं सकते और ध्यान कम भी नहीं दे सकते, आपको पूरा ध्यान इसकी तरफ देना पड़ेगा, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। आई एम इंटरेस्टेड इन एंशियंट स्टोरीज, दे मस्ट नॉट स्टील गवर्नमेंट टैक्स, समवन इज कॉलिंग मी, देर इज डेंजर टू लाइफ, दैट मैन नेवर स्पीक गुड फॉर अदर्स, ही लेड द टीम इन द वर्ल्ड कप, वी ऑट टू पे रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, आई एम नॉट स्टिंगी, लेट्स प्लान फॉर पिकनिक, लेट हर डिसाइड हर प्लान, इस प्रकार से इस सेंटेंसेस में आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन टैग दे रहे हैं।